अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एक्सेल। एक्सेल में ठीक है चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो एक्सेल में चार्ट क्रिएट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो एक्सेल मैंने ओपन किया, इस पे पहले मैंने कुछ शीट्स बनाई हुई थी, ठीक है, स्टूडेंट डाटा बनाया हुआ था। इस पे मैं आपको आपको आज है चार्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा इसका। अगर आपको इसको चार्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि इस एरिया को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्टूडेंट नेम से लेके मैंने सब्जेक्ट तक, तीनों सब्जेक्ट और साथ में स्टूडेंट नेम मैंने क्या किया है, सिलेक्ट किया। इंसर्ट में गया, यहाँ देखें आपको चार्ट मिल रहा है, ठीक है, चार्ट टाइटल है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। आपको ये बहुत से डिजाइनिंग आ रहे हैं यहाँ पे, आप जिस तरह का चाहें उस तरीके का ले सकते हैं चार्ट। ये देखें, जहाँ सिंपली जहाँ पे आप माउस एरो रखेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं सिंपल सा ये पहले वाले ले लेता हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको कम या बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऊपर बहुत सारे और भी कलर्स या ठीक है डिजाइनिंग में आ रहे हैं चार्ट, यहाँ से भी आप न्यू ले सकते हैं इस तरीके से। आपको मैं एक और इसका शॉर्टकट की है, वो है F11, ठीक है। सिलेक्ट करें, F11 करेंगे तो आपको एक चार्ट शीट मिलेगी। ये देखें जी, पहले शीट वन थी, अब चार्ट वन आ गया, ये चार्ट वन एक अलग शीट पे आ गया आपको शो। यहाँ पे आप बहुत सारे डिजाइनिंग खुद कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे जाके मैं इसको आपको ठीक है शीट पे कन्वर्ट करना भी आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें जो चार्ट टाइटल है इसको अगर आपने नेम चेंज करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके फॉर्मूला बार में आप क्या करेंगे वो नाम लिखेंगे, ठीक है। मैंने लिख दिया स्टूडेंट डाटा, ठीक है। अब आप इसको एंटर करेंगे, ये देखिए इधर नाम चेंज हो गया इस तरीके से, ठीक है। आप इसके साइज बढ़ा भी सकते हैं होम टैब में जाके इस तरीके। ये देखें ये नेम वाली बार है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, नाम चेंज कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जो भी आप कलर देना चाहें। बैकग्राउंड में भी कलर दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एक तरफ मार्क्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये देखिए ये मार्क्स है, नीचे नेम है और चार्ट आपको बता रहा है कि शो कर रहा है कितने किसको कितने मार्क्स मिले हैं। फिर आपको मैं ठीक है डिजाइन में चले जाता हूँ, डिजाइन चार्ट में। यहाँ से यह मैंने आपको बता दिया, आप इसको मुख्तलिफ तरह के क्या कर सकते हैं, डिजाइन ले सकते हैं। देखिए अब इसके नंबरिंग इसके ऊपर चले गए, ये लाइनिंग वाले हैं, हमने जस्ट उस पर माउस पॉइंट रख रहा हूँ तो ये देख क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके यहाँ से आप देखें चार्ट दोबारा चेंज कर सकते हैं। ये चार्ट में क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिजाइन ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं यहाँ से। देखिए आपको तब्दीली चेंज नजर आ रही होगी यहाँ पे, ये देखिए आप इस यहाँ पे आप मार्क्स भी लिख सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मूला बार में जाए, यहाँ पे लिखे मार्क्स, ठीक है, एंटर करें, यहाँ पे मार्क्स आ जाएगा। अब इसको होम टैब में जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं और इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं।
इसके अलावा ये आपको मैंने डिज़ाइन बता दिया। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे एड एड चार्ट फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत सारे क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं चार्ट में, ठीक है। एलिमेंट्स वगैरह हैं, जैसे मैं माउस पॉइंट रख रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए चार्ट की शेप क्या होती जा रही है, चेंज हो जाती है, ठीक है। ये देखिए ये बड़ा है, वो छोटा है, ठीक है। यहाँ से आप सभी ऑप्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हैं, अपने चार्ट को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपने सिर्फ जस्ट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप अच्छे आपको वर्क करेगा। ये देखिए यहाँ पे उसके ऊपर स्टूडेंट का नाम भी आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए नीचे टेबल आ रहा है पूरा, ये देखिए। अगर आपने इसके साथ टेबल भी शो करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, टेबल भी लेके आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। जो भी आपको अच्छा ऑप्शन लगे वो अपने टेबल में अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ये देखें आप बॉटम में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, सारे ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप कौन सी चीज़ कहाँ पे रखना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें आप डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। यहाँ से आपने सिर्फ उसको क्लिक करना है, आप स्विच चेंज हो सकती है, ठीक है। रो एंड कॉलम स्विच, रो एंड कॉलम्स, ठीक है। के ऊपर आ जाता है शॉर्ट डाटा। सिलेक्ट डाटा कर सकते हैं यहाँ पे एक क्लिक पे, ठीक है। इसके बाद ये देखें आगे वाला ऑप्शन आ जाएगा, चेंज चार्ट टैब यहाँ पे, ठीक है। चार्ट यहाँ ये देखिए, ये जो आपको मैंने बताया था कि आपको यहाँ से, ठीक है, शीट वन में कन्वर्ट कैसे करना है आपको चार्ट वन को, ठीक है। वो ऑप्शन ये है, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। ये देखिए पहले हम हमारा ये देखिए शीट वन में था डेटा ये सारा, तो चार्ट हमने न्यू लिया था फ्लैवन करके। अब इसको मूव करना है, तो ये देखिए मूव चार्ट लोकेशन, ठीक है। ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए ये लिखा हुआ है न्यू चार्ट, शीट में रखना है या चार्ट में रखना है, ठीक। शीट में हमने क्या कर दिया, इसको सेलेक्ट करके ओके किया, तो ये देखिए कहाँ पे हमारा शीट है वन में आ गया है चार्ट, और उधर देखिए शीट चार्ट वन गायब हो गया है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए फॉर्मेट में जा सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करके ये ए का, ठीक है, फॉर्मेट चार्ट एरिया आ जाएगा, जहाँ से आप इसको, ठीक है, पिक्चर में भी लगा सकते हैं, ग्रीन कलर भी बैकग्राउंड में कर सकते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, शोल्ड, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये बहुत सारे क्या रेडीमेड आपको डिज़ाइन दिए हुए हैं, आप ये चार्ट के बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपके पास कंपनी का लोगो वगैरह है तो वो भी यहाँ से बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। मेरे पास तो कोई भी नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी आपको मैं एक एक्सेल की पिक्चर पड़ी हुई है वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं यहाँ से, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। रेंडिंग फील कर सकते हैं, मैंने ऑप्शन आपको बता दिया। फीचर पे जाके आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, देखिए जैसे मैं सब कर रहा हूँ नीचे से ये क्या रहा है ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर भी रखना चाहूँ
तो उसके ऊपर भी मैं रख सकता हूँ, ठीक है, नीचे रखना चाहूँ तो नीचे भी रख सकता हूँ, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों शेयर भी।